नमस्कार। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर एक बार। थोड़ा सबकी बार एक डिले हुआ एपिसोड बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण। तो चलिए आज एक नए एपिसोड, यानी कि अपना जो है ना 31वां एपिसोड जो है ना वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि जो किंग अनु थे, उन्होंने जो अलालू था उसको एक एक तरीके का निकाला दे दिया था, उसको जो है ना उन्होंने एग्जाइल कर दिया था मार्स पे, जिसको वो लहमू कहते थे। और वहाँ पर जो है, जो उनको मार्स पे जो लेके गया था कमांडर अंजु उनके साथ, तो उसने एक अपना जो है लास्ट मिनट एक डिसीजन लिया और किंग अनु को बताया था कि मैं जो है वो अलालू के साथ यहीं मार्स पे जो है ना रहना चाहता हूँ लामू पे, जब तक कि ये जिंदा हैं और मैं इनकी देखभाल करूँगा। उसमें जो है वो उनको जो भी उनको वहाँ पर रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत थी, वो पूरी सप्लाईज और जो फिश सूट्स जिनको वो बोलते थे, यानी कि जो आजकल के जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हेलमेट और वो जो ऑक्सीजन के लिए या बाकी चीज़ों से मतलब जो है ना बचने के लिए जो सूट पहनते हैं, वो एस्ट्रोनॉट मतलब जो है ना वाले सूट्स जो है ना उन दोनों को दिए गए। और फिर वो वहाँ से अंजू जो है वो अलालू को लेके चले गए अपने फिश सूट्स और सामान के साथ जो है वो लामू पे। और फिर किंग जो अनु थे वो नीबरू की तरफ जो है चले गए। ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसके ऊपर किया था। तो चलिए अब यहाँ से जो है ना इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अब इन एपिसोड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में, क्योंकि अब ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसमें बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स आएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जितने भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम इनके प्रूफ्स भी देंगे आपको साथ साथ में कि ये कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन सी जगहों पे हुआ था, कैसे कैसे जगह हमने पीछे भी किया है इस तरीके का, और वो आपको पता चलेगा। अनु थे वो नीबरू जो है ना वो पहुँचे और वहाँ पर उनका एक बड़ा ग्रेट वेलकम जो है ना वहाँ पर हुआ। वहाँ जो नीबरू की काउंसिल थी वहाँ पर उन्होंने अपना जाके उनको ये बताया कि जो भी चीज़ें जो घटित हुई थी वो पूरी सब घटनाएं उन्होंने बताई। ये भी बताया कि अलालू ने क्या किया, उसको क्या सज़ा दी है उन्होंने, वो सब चीज़ें उन्होंने काउंसिल के सामने रखी। और उन्होंने जो है ना वो फ्यूचर प्लान डिस्कस किया कि अब इसको वहाँ पर हमको इसको कैसे कैरी आउट करना है, क्योंकि उनकी जो मेन प्रायोरिटी थी वो तो ये था कि जो नीबरू का जो एटमॉस्फेयर जो था, जिसमें कि एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, एक ब्रीज था, उसको ठीक करना था। और उसके लिए जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कि जो गोल्ड है उसका जो है ना पाउडर, उसको क्रश करके वो उसमें ब्रीज में जब छिड़कते थे, तो उन्होंने उस पूरी चीज़ को जो है ना वो डिस्कस किया और कहा कि भाई ये इतना दूर है नीबरू हमारा अर्थ से, जो की जिसको बोलते थे, और वहाँ से पूरा सामान जो है ना, एक तो वहाँ से खुदाई होगी, वहाँ से सामान निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, उसको फिर वहाँ से वो क्रश करेंगे और पाउडर करने के बाद वो यहां पर हमारे पास भेजेंगे। तो इसके लिए इस पूरी यात्रा को जो है ना वो आसान बनाने के लिए हमको कई वे स्टेशंस, यानी कि रास्ते में कुछ जो है पड़ाव हमको वो बनाने चाहिए, क्योंकि बिना उसके इसको जो है कर पाना संभव नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि भाई अब हमको ऐसा करना चाहिए कि ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि नीबरू हमारे ही सोलर सिस्टम का पार्ट अब इसको है भी कह सकते हैं, उस जमाने में था भी वो, तो क्योंकि अब ये डिस्प्यूट है इसके ऊपर, क्योंकि एक एपिसोड में हमने इसके बारे में बात करी थी कि आज के साइंटिस्ट ने भी इसको रिसर्च किया और पता करके बताया कि एक प्लैनेट एक्स है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से तो पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन अभी उसके बारे में पूरा कन्फर्मेशन इनको नहीं है। खैर एनीवे, तो उन्होंने कहा किंग अनु ने कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर एक किंगशिप होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक भी हमको लगता है, जो कि मतलब जो है ना ये पूरी कहानी जो लिखी गई कि यूनिफॉर्म टैबलेट्स पे, जिसको हमने ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, तो उसमें ये लगता है कि शायद किसी और प्लैनेट के ऊपर या किसी और जो हेवनली बॉडी थी उस पर शायद जीवन तब भी नहीं था। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, अनु का जो स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ये पूरा जो सौर मंडल है हमारा, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको एक किंगशिप के अंदर जो है ना वो करना चाहिए, और नीबरू को इसको जो है ना कि किंगशिप में इसको गवर्न करना चाहिए, ये सारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है। ये इन्होंने जो है ना उस काउंसिल को जो है बताया कि ये हमारा पूरा एक फैमिली है ग्रहों का। और उन्होंने बताया कि भाई ये जो हम वे स्टेशन बनाएंगे बीच में, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लामू जो है, जो मार्स है, वहां पर एक हम वे स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि लामू अर्थ से डायरेक्ट नीबरू पे आना जो है वो बहुत मुश्किल है।
तो उन्होंने ये चीज सजेस्ट करी कि लहमू बहुत अप्रोप्रिएट है। क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि लहमू पे जो है, मार्स के ऊपर जो है, वो उस जमाने में बहुत पानी था और उसका एक अपना एटमॉस्फेयर था जो कंड्यूसिव था। उतना वैसा तो नहीं था जैसा कि था बिना उसके जो है ना मार्स के रह सकते हैं या कुछ, लेकिन वहां जो है एटमॉस्फेयर था, हल्का एटमॉस्फेयर था। और उन्होंने कहा कि एक जगह और है, किंगनों ने कहा मेरे ध्यान में, वो ये है किंगू, यानी कि जो अर्थ का हमारा मून है, चंद्रमा, कि हम वहां पर भी एक स्टेशन बना सकते हैं। ये उन्होंने सारी प्लानिंग अपनी काउंसिल के साथ डिस्कस करी। और बीच में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो बाकी जो ग्रह पड़ रहे हैं या जो प्लेनेटरी बॉडीज हैं, मून्स हैं प्लैनेट्स के, तो ये जो है ना, इन पे भी हम अपने जो है ना होस्ट स्टेशन, यानी कि बीच में थोड़े पड़ाव जो है ना कर सकते हैं अपने स्पेसशिप्स की इतनी लंबी यात्रा के लिए। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हमको बहुत ही एडवांस स्पेसशिप्स जो है ना वो बनाने पड़ेंगे अर्थ की यात्रा करने के लिए, की यात्रा करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमको गोल्ड भी लेके आना है और यहाँ से जो है ना लोगों को वहाँ भेजना भी है काम करने के लिए, वहाँ के लोगों को यहाँ पर भी लेके आना है। उन्होंने प्रपोजल दिया इसके साथ साथ में कि हमको इसके साथ में, जब हम बाकी जगह होस्ट स्टेशन बनाएंगे बाकी प्लेनेटरी बॉडीज पे या और भी, मतलब जो ना हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मतलब प्लेनेट के जो मून्स वगैरह हैं, तो हम वहां पर भी अपना जो है ना एक सर्वे करेंगे और देखेंगे क्या गोल्ड वहां पर भी है। जब सजेशन रखे तो काउंसिल ने उन चीजों को बहुत सीरियसली सुना और उन्होंने डिस्कशन किया और उन चीजों को उन्होंने लगा कि हाँ, ये जो कह रहे हैं कि गनु, ये इसका मतलब बन रहा है और ये हमको करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक नई काउंसिल बनाई, जिसमें बहुत ही लर्नेड वहाँ के जो नीबरू के लोग थे, जिनको कि एस्ट्रोनॉमी और प्लेनेटरी साइंस और रॉकेटरी जो स्पेसशिप से रिलेटेड जो वो था उनका, उसमें जिनको नॉलेज थी, उनकी उन्होंने अलग काउंसिल बनाई इन सारे मैटर्स को हैंडल करने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उनको ये काम दिया कि भाई अब जो एडवांस्ड जो शिप्स होंगे, स्पेस शिप्स होंगे, वो आप लोग देखिए कि किस तरीके से बनाना है, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ हीरोज, यानी कि जो लोग जाएंगे की पे काम करने के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको जो जग गए हैं लोग, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि इनकी ट्रेनिंग के लिए हमको जो है ना ये प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो नई काउंसिल बनी, टेक्निकल काउंसिल बनी नीबरू की, उन्होंने वो सारा प्लान जो है वो एंकी, यानी इया जो है एंकी और उनके ब्रदर एनलिल, वो दोनों तो उस टाइम जो है ना की पे थे, अर्थ पे थे, उनको भेजा कि ये हमने, हमारी काउंसिल ने जो है ना ये पूरी चीज़ों का एक प्लान किया और ये हमारा वो है। एंकी ने जो है क्या किया कि जो अललगढ़ थे कमांडर, उनको जो एरिडू थे जहां पर ये लोग सब रहते थे की पे, अर्थ पे ना, उन्होंने जब सेटलमेंट बनाया था एरिडू, उसको मतलब उन्होंने इमीडिएटली अपॉइंट किया अलगर को कि आप इसको जो है ना मैनेज करो यहां पर। और उसने जो है ना एक जो टेक्निकल टीम ये जो वहां पर बनी थी निबरू पे, तो उसने क्या किया कि उनको जो है ना कुछ डिजाइंस जो है ना वो भेजे कि मुझको इस तरीके की जो है ना एक्सकेवेशन के लिए मशीन्स चाहिए होंगी और उसके साथ में हमको जो है ना ये, फिर उनको क्योंकि वहाँ एक्सकेवेशन ही नहीं खाली करना था, उसमें से सेपरेट करना था गोल्ड को, फिर उसको क्रश करना था, तो इसके लिए जो है ना फिर पाउडर बनाना था, तो ये सारी मशीनों के डिज़ाइन करके एंकी ने जो है ना वो नीबरू को भेजा। और उन्होंने उसके अलावा जो है ना जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी जो यहाँ पर वो फेस कर रहे थे और उनको उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो ये हो रही थी कि ये जो यहाँ पर हीरोस थे या जो लोग नीबरू के जो है नीबूरियंस जो थे, उनके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। हेल्थ इश्यूज इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो अर्थ की साइकिल थी, जैसे हमने पहले भी बात करी है, वो उसमें दिन और रात जो है, जो एनलिल जो थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वरीड थे कि यहाँ पर जो है ना अर्थ गर्म बहुत था उनके हिसाब से, क्योंकि नीबरू जैसे हमने बताया था कि इतना दूर होने की वजह से सन से, वो बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, तो वहां जो है जो वो उसके आदि थे और उस तरह की कोल्डनेस उनको यहां नहीं मिलती थी, तो इसको जो है ना वो लेके बहुत, उनके वर्कर्स भी परेशान थे और जो ये एनलिल थे और जो एंकी थी, ये दोनों भी इसके लिए बहुत परेशान थे। और जब उन्होंने जो है ना वो एक बहुत ठंडी जगह की तलाश में उन्होंने जो है वो उसकी जब तलाश कर रहे थे वो, तो उन्होंने जो है एक जगह देखी जो कि काफ़ी अंदर, जहाँ पर बड़े बड़े देवदार के जो है ना पेड़ थे, जिनको हम कहते हैं सेडर ट्रीज, तो वो देवदार के बड़े बड़े पेड़ थे, वो जगह काफ़ी मतलब जो घना जंगल थी और वहाँ पहाड़ थे, वहाँ उनको जो है ना लगा कि ये थोड़ी सी ठंडी जगह है, अलग सी जगह है, वो उन्हें कुछ पसंद आई। और चारों तरफ उस जो जगह थी उसके जो है ना वो पहाड़ थे, जिन पे कि मतलब वो बर्फ की चोट के, बर्फ वहाँ पर से ढकी थी, उसकी वजह से वो जगह वो थोड़ी सी ठंडी रहती थी।
तो वो एनएल चाहते थे कि ऐसी जगह कि जहां पर वहां पर अपने जो स्पेसशिप्स आ रहे हैं वो उनको वहां पर प्रॉपरली लैंड कराएं, और वहां पर एक हैंगर, बड़ा सा हैंगर, मतलब एक वो बना सकें जहां पर कि इन शिप्स को रखा जा सके, जो आने जाने वाले शिप्स हैं। तो उनको वो जगह जो है वो समझ में आने लगी कि ये जगह जो अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया है कि टेक्नोलॉजिकली तो वो बहुत ज्यादा एडवांस लोग थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक जो स्पेशलाइज्ड एक बीम थी, जिसको हम लेजर कह सकते हैं, या हम जानते नहीं उसके बारे में कि उन्होंने किस बीम का, बट हाँ ये हमको डिटेल मिलता है कि उन्होंने एक बीम यूज करी और एक एरिया को माउंटेन के जो है बिल्कुल फ्लैट कर दिया। मतलब उसको उस बीम से उन्होंने जो है ना उसको बिल्कुल काट के फ्लैट कर दिया, बिल्कुल एक समतल सा जो है ना पूरे पहाड़ के ऊपर उन्होंने उस जगह को कर दिया। और ये जो जगह थी वो जो घाटी थी उस पहाड़ की, उसके ऊपर का एरिया था, और वहां पर उन्होंने जो है ना फिर जो हीरोज थे, जो उनके निबुरु के जो उनके जो वर्कर्स थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई पास में क्वेरी है, क्वेरी मतलब यहां पर कि पत्थर था जो सैंडस्टोन वगैरह था, वहां से उन्होंने कहा बड़ी बड़ी चट्टाने जो है उनको कहा, उन्होंने साइज बताया कि इस साइज के हमको ह्यूज चट्टाने चाहिए। उससे उन्होंने कहा कि यहां पर हम अब इस माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, और वो प्लेटफॉर्म हमारा जो है ना यूज होगा यहां से उन जहाजों की लैंडिंग के लिए, जो स्पेस शिप आएंगे वो इस पर लैंड करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया क्योंकि अब यहां पर ये सब काम होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो इसका सुपरविजन भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है ये सुपरविजन के लिए कहा कि ये जो पेड़ है देवदार के, आप इनको जो है ना काटिए, और इनसे काट के जो उन्होंने कहा कि वो अब यहां पर आप एक मेरे लिए घर की भी प्लानिंग करिए। तो ये वहां पर मतलब जो कार्यक्रम शुरू हो गया। और जब ये काम खत्म हुआ तो उसके बाद अनिल जो बहुत खुश हुए कि उन्होंने देखा कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म जो है बना, जो कि वो इतना मजबूत था कि जो निबरू के बड़े ह्यूज जो स्पेसशिप्स थे वो वहां पर बड़े आराम से लैंड कर सकते थे। और वहीं पर भी उसी के पास में उन्होंने अपना जो है ना वो घर की भी प्लानिंग करी। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं, आज भी ये प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं या आप जाके देखना चाहते हैं तो आज भी आप जाके वहां पर उसको देख सकते हैं। वो मैं इसके बाद आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है आजकल आज की दुनिया में, और उसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। और जो हेल्थ का जो इशू था उसको इन्होंने ऐसे एड्रेस किया, क्योंकि जो नीबरू था, नीबरू पे वहां की एक बहुत ही जो है ना क्वालिफाइड और बहुत ही मतलब ट्रेंड एक डॉक्टर थी लेडी, उनका नाम था निन्मा। निन्मा जो थी वो वहां की जो लाइफ साइंसेस और इसके बारे में उनको जो है ना हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, और इंसिडेंटली वो अनु की ही बेटी थी, लेकिन वो उनकी मतलब जो है ना वाइफ जो थी, उनकी जो हाफ सिस्टर थी, जो रानी थी अनु की, उनसे नहीं थी, वो भी एक मतलब जो है ना उनकी जो कॉन्क्यूबिन थी वो उनसे थी दूसरी। तो वो एक तरीके के एंकी और जो एनल थे इन दोनों की हाफ सिस्टर थी, क्योंकि उनकी मदर से वो नहीं थी ना, इसका मतलब हाफ सिस्टर थी वो, ये हम इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं पहले। तो वो जो है उनको ये एक रिस्पांसिबिलिटी जो है ना दी गई कि भाई आप जाइए और इस चीज को वहां पर देखिए कि कैसे हम जो है ना इसको एड्रेस कर सकते हैं, ये हेल्थ के इशू को। और निन्मा ने क्या किया कि उन्होंने जो है ना अपने साथ में जो है वो एक पूरा फिर अपना ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने जो है ना उनकी जो ट्रेन नर्सेस थी वो जो है हेल्पर्स जो हेल्थ वर्कर्स थी वो, जैसे कि उनके रिक्वायरमेंट, वो उन्होंने अपना पूरा वहां पर ग्रुप तैयार किया जाने के लिए। और जब उनका जो है ना वो ये पूरे सब तैयारी हो गई तो ये पूरा ग्रुप वहां पर जो है वहां से उड़ा, और वो जर्नी उन्होंने जो है वो शुरू करी की के लिए, अर्थ पे जाने के लिए। और उनके जो शिप के जो कमांडर थे वो नुनगल थे, नुनगल नाम के एक कमांडर थे, वो मतलब जो है ना उन्होंने उसको जो है ना वहां से अपनी यात्रा शुरू करी। और क्योंकि तब तक इतनी यात्रा हो चुकी थी तो उन्होंने काफी एडवांस्ड अपनी, जिनको वो बोलते थे टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज, जिनको कि आज हम ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ही एडवांस्ड जो है ना हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स थे शायद, तो उन्होंने उसके ऊपर वो पूरा वो काफी एडवांस्ड जो है ना टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज वो जो कंप्यूटर्स थे उस पर पूरा रूट और कैसे कैसे क्या है वो सारा अपना जो उनके पास था, और वो उसके साथ वहां से उड़े और बहुत आराम से जो है ना बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि अब तक वो सारी प्लानिंग कर चुके थे और काफी अच्छी तरीके से वो सब जानते थे। तो वो लहमो जो है जो मार्स है वो मतलब जो है ना वहां तक पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने उसका चक्कर लगाया और उसकी ग्रेविटीज को यूज करते हुए उन्होंने अपने, क्योंकि काफी बड़ा ह्यूज वो स्पेसशिप था, उसकी स्पीड को उन्होंने कम किया। और फिर वहां पर मतलब जैसे कि वो ऑलरेडी जो है उनका प्लान था, उन्होंने देखा कि उनको जो है ना लामू से सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सिग्नल भेजा और उसके जो है ना जवाब में उनको वहां से सिग्नल मिला। और ये जो सिग्नल था ये वो जानते थे कहां से आ रहा है, क्योंकि ये जो फिश सूट थे
जो हेलमेट पहनते थे जो उन्होंने वहां पर जो है ना वो अंजू को और अलालू को जो है दिए थे, उनके हेलमेट से जो है ना ये सिग्नल बीम होते थे, तो वो वहां से उनको जो है ना वो सिग्नल मिलने लगा, उसका जवाब मिलने लगा। लेकिन नुलगल जो थे, जो कमांडर थे शिप के, वो थोड़े से परेशान थे। वो परेशान इसलिए थे कि जो सिग्नल मिल रहा था, पहली बात तो वो बहुत वीक था, बहुत कमजोर सिग्नल मिल रहा था वापसी में उनको, और वो जो सिग्नल था वो एक ही जगह से लगातार आ रहा था, ऐसा एक ही जगह रुका हुआ सा लग रहा है बहुत देर से, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां से वो हिल भी नहीं रहा है। तो इससे उसको थोड़ा सा उस चीज के ऊपर डाउट हुआ। खैर उसने वहां पर अपना चक्कर लगाया और शिप को एक मतलब जो है ना जगह देख के जहां पर की जो है वो काफी उसको लगा कि यहां पर हम उसको उतार सकते हैं, उसने अपने शिप को वहां पर लैंड किया। बहुत बड़ी झील थी और उसके पास थोड़ा सा सिग्नल स्ट्रांग आ रहा था, तो उसको लगा यही के पास से आ रहा है, तो उसने वहां पर अपने जो है ना एयरशिप को लैंड करा लिया। जब लैंड कराया तो उन्होंने दो हीरोज को कहा, वो उन्होंने अपने फिश सूट्स पहने और फिर वो अपने जो है ना उस शिप में से बाहर निकले और वो सिग्नल की तरफ गए। तो उन्होंने दूर देखा कि एक मतलब जो है ना वो एक जगह से जो है ना वो सिग्नल बीप कर रहा है, और लेकिन वहां पर जो भी दोनों में से उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फिश सूट पहने हुए थे कि वो अंजू हैं या अलालू हैं, वो वहां पर लेटी हुई अवस्था में जो है ना है। और जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वो तो मतलब जो है ना अंजू निकले, और अंजू के जो हेलमेट था वहां से ये सिग्नल आ रहा था, लेकिन अंजू बिल्कुल वहां बेहोश मरता हुआ हालत में पड़े हुए थे, इसलिए वो जो है ना वो स्टेशनरी सिग्नल मिल रहा था, बहुत वीक मिल रहा था। तो मतलब जो है ना उन्होंने इस चीज को देखा और मतलब जो है ना जो अंजू को देख के वो तो बिल्कुल घबरा गए कि ये क्या हो गया, उनको ये भी नहीं पता था। तो वो इमीडिएटली फिर उसके उसमें जो है ना उनका नेक्स्ट एक्शन ये था कि अब हमको इसको अटेंड करना है और ये देखना है कि अंजू जीवित भी है कि नहीं। हम अगले एपिसोड में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि वो जगह जिसके बारे में मैंने बताया कि वो कहाँ है, जहां पर जो आज भी हम जाके देख सकते हैं उसको, कि उन जो उन्होंने अपना जो है ना शिप लैंडिंग के लिए बनाई थी, और दूसरा कि ये कहानी में क्या हुआ, वो अंजू जिंदा थे या मतलब मर चुके थे या और आगे क्या होता है। तो इसके लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।